हाय, दिस इज नेहा हरसोरा, आपकी प्यारी सहेली, और आप मुझे देख रहे हैं टेलीबाइट्स पे। तुझे कहा था ना मैंने, कहीं भी जा रही है आ रही है मुझे बताना चाहिए। काकू, ये सवाल आपने कभी रोशनी को नहीं? सहेली कहाँ जा रही है? तुझे बताया था ना मैंने, घर से बाहर कदम रखने से पहले मुझे पूछा कर, बता के जाना। काकू, आप ये सवाल रोशनी को क्यों नहीं पूछे जब वो बाहर जाती है? सारे सवाल मेरे लिए क्यों? जब वो बाहर जाती है सारे रूल सिर्फ घर की एक बहू के लिए ही क्यों? एक नंबर सवाल है सहेली, इसका जवाब तो मेरे को भी सुनने का है। बाबा की भाई को बोलना प्लीज। मारा ना को शिकू। सो ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर चेंज हुआ है, डेफिनेटली इट्स जस्ट कि वो गलत जहाँ हो रहा है या गलत जो चीज़ें हो रही है उसके साथ, वो उसके ऊपर आवाज़ दे रही है। और आई थिंक कि वही होना चाहिए, कहीं पे भी हो, तुम्हारे वर्क स्पेस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए आवाज़ उठाइए जब आपको लगे गलत हो रहा है या गलत कोई कर रहा है। सो बस सहेली वही कर रही है, रेणु का उसे सुना रही है और उसे जवाब दे रही है ये कि घर के बाहर जाने के लिए भी आप इतना मतलब रोक टोक करोगे, जबकि मैं तो अपने पति के साथ अपने काम के लिए जा रही हूँ, घर का भला करना चाहती हूँ, पति का भला करना चाहती हूँ, फिर भी आवाज़ उठा रही है। तो सहेली ने बोल दिया आज। सचिन हमेशा मेरी साइड लेता है, आज वो छुप है क्योंकि सहेली ने खुद का स्टैंड लिया है। तो आई थिंक कि उसने जो इतने टाइम से मुझे कहा कि यू नो सहेली तुझे बोलना चाहिए, सब तुझे सुनाकर चले जाएंगी ये वो, तो आज सहेली ने फाइनली ये बात सुनी और उस पर उसे इम्प्लीमेंट किया, उस पर इम्प्लीमेंट किया कि वो आवाज़ उठाए जब भी उसके साथ कुछ गलत हो। तो सचिन इज़ वेरी हैप्पी एंड सहेली इज़ ऑल्सो हैप्पी कि अब उसका नया काम स्टार्ट होने वाला है और सचिन उसका साथ दे रहा है। जो पहले थी हमारी बॉन्डिंग, उससे कहीं बेहतर और यू नो अच्छी हो गई, हमारा रिलेशन बोलो या हमारा यू नो द वर्क थिंग दैट वी आर डूइंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर साची। सास का भी मुझे प्यार नहीं करेगी इतना तो मुझे पता चल गया, जस्ट बिकॉज आई एम पुअर। सो आई थिंक ये जो वीक में जो एपिसोड्स देखेंगे ना, काफ़ी अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको देखने मिलेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली एक फाइनेंशियल कंपैरिजन हो रहा है रोशनी और सहेली के भी, जबकि रह रहे दोनों एक ही छत के नीचे है। तो ये आई थिंक हर घर पे होता है कि किसी का कोई रिलेटिव बहुत रिच होता है, किसी का मिडिल क्लास होता है, किसी का पुअर। नाउ दैट सिचुएशनल बेस्ड, बट आई सी पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग दैम कि जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर पर्सन रिच है तो उसे एक अलग यू नो बिहेवियर या एक जेस्चर मिलता है परिवार की तरफ से, मान सम्मान अलग मिलता है, या उठना बैठना जिस तरह से बात करते हैं लोग वो अलग अप्रोच होते हैं, और जो नॉर्मल या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उसके लिए कुछ और होता है। सो आई थिंक वी ऑल आर हैव बीन फेसिंग इट। सो वही ये एपिसोड में आपको देखने मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक यू ऑल विल एंजॉय इट एंड विल बी एबल टू रिलेट टू इट। वाह सहेली, मस्त सवाल पूछा, एक नंबर। क्या रे बार बार की वाइफ को जवाब दे इसका। मला जास्त शिकू नको। हां यहां से सॉरी रोल एंड मला शिकू नकोस। रोशनी बड़े घर की लड़की है, समझ ल, वो कहीं भी जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में है। रोशनी बड़े घर की लड़की है, वो कहाँ जाती है क्या करती है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े लोगों में है। पर तेरी चिंता है, तू पता नहीं कौन से चोर उचक्कों में उठती बैठती है। फर्क पड़ता है इससे, तू न जाने कौन से चोर उचक्कों में उठती बैठती है, तेरे पीछे पीछे न जाने कौन चोर घुसाएंगे घर में। चोर के लिए आपको बाहर से ज्यादा घर वालों पे ध्यान देना चाहिए। रही बात, अब तेरे घर आने के बाद पता नहीं कौन चोर लोग यहाँ घर में घुसाएंगे। काकू, चोरी के मामले में आप बाहर वालों से ज्यादा घर वालों पे ध्यान। और रही बात मेरी, तो मैं काम के सिलसिले में बाहर जाऊंगी ताकि मैं अपनी खुद की कमाई कर पाऊँ, क्योंकि इस घर में सिर्फ पैसे वालों को इज्जत मिलती है, गरीबों को तो चोर घोषित कर दिया जाता है चाहे उनकी गलती हो या ना हो। कमाई कमाने जाए, क्योंकि इस घर में इज्जत सिर्फ पैसों वालों की। और रही बात मेरी, तो मैं काम के सिलसिले में बाहर जाऊँ ताकि मैं खुद के पैसे कमा सकूँ, कि इस घर में इज्जत सिर्फ अमीर लोगों की, जिनके पास पैसे हैं, गरीबों को तो चोर घोषित कर दिया जाता है जबकि उनकी कोई गलती भी ना हो।
ये बात सही है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.